हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज डाइजेस्टर सीरीज। सो जैसा कि जान रहे हैं डाइजेस्टर सीरीज क्या है। डाइजेस्टर इज योर द वे ऑफ रैपिड रिवीजन। सो आज का टाइटल क्या होने वाला है? आज का टाइटल है हमारे डाइजेस्टर का डिफरेंस बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। यस, आज बात करेंगे डिफरेंस की बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल की, कि क्या क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहले डिफरेंस को जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार हमारा इमल्शन क्या होता है। हमने सस्पेंशन देखा, सस्पेंशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, दो वर्ड एक थोड़ा सा रिजेंबलेंस दिखा रहे हैं। पहले सस्पेंशन मतलब जो इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल है वो सस्पेंड है, इसलिए उसको सस्पेंशन बोला। और यहां पर इमल्शन की बात कर रहे हैं। तो इमल्शन, इमल्शन हमारा क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे। इमल्शन इज योर बायफेजिक सिस्टम, याद रखिएगा, इट इज एन बायफेजिक। अब बायफेजिक बोला है इसका मतलब दो फेज इन्वॉल्व है। जी हाँ, दो फेज, देयर आर टू फेज इन्वॉल्व। सबसे अच्छी बात, दोनों फेज लिक्विड है, दोनों फेज लिक्विड है। अब बायफेज है इसका मतलब दोनों फेज, मतलब दो इमिसिसिबल, मिसिसिबल नहीं है, दो इमिसिसिबल लिक्विड इन्वॉल्व है। एक और अच्छी बात, टू इमिसिसिबल, जो दो फेज है वो इमिसिसिबल है। ये लिख लीजिएगा, इमिसिसिबल लिक्विड इन्वॉल्व है। अब ना इसमें मैंने बताया दो फेज, तो एक होगा कंटिन्यूअस और एक होगा डिसकंटिन्यूअस। जी हां, चलिए वो जान लेते हैं। जो हमारा डिसकंटिन्यूअस फेज होगा वो हमारा डिस्पर्स रहेगा यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंटिन्यूअस फेज। कंटिन्यूअस मतलब जो ज्यादा अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट मतलब जो कंटिन्यूअस रहेगा। चलिए उसको डिटेल से समझ लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझने वाले हैं। फिर आगे हम बात करेंगे ओ बाई डब्ल्यू और डब्ल्यू बाई ओ, इनका नाम कैसे पड़ा, हमने ओ बाई डब्ल्यू को डब्ल्यू बाई ओ क्यों नहीं बोल दिया, क्यों इतना डिफरेंस है, वही बात करने वाले हैं। चलिए एक सस्पेंशन, एक इमल्शन ले लेते हैं, सॉरी एक इमल्शन है जिसमें हमारी ये ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉपलेट्स हैं और ये हमारा मेनली फेज है। अब मैंने बोला था दोनों लिक्विड इन्वॉल्व है, ये पहली बात सही हो गई, बायफेज है, दो फेज हो गए, दोनों इमिसिसिबल है। ये मिसिसिबल तो नहीं है? यस नहीं है। नाउ अब देखिए, ये जो हमारा ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स की जो फॉर्म में है, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में है, ये हमारा होगा डिसकंटिन्यूअस फेज डीपी, और ये जो हमारा कंटिन्यूअस है ये होगा सीपी। अब मैंने बोला यूनिफॉर्मली, यस ये जो डिसकंटिन्यूअस फेज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा थ्रू आउट द कंटिन्यूअस फेज। जी हां, अब ओ बाई डब्ल्यू और डब्ल्यू बाई ओ इनको हमने क्यों बोला ऐसा? अब आपने सोचा, देखिए मैं बता दूं यहां पे हम कैसे समझ सकते हैं इसको, ऑयल इन वाटर। जी हां, ये बेसिक डिफरेंस है, मतलब कहीं ना कहीं ऑयल हमारा वाटर के अंदर है। तो ऑयल, ये ऑयल की ड्रॉपलेट्स हो गई और ये वाटर हो गया। यस, सिंपल सी बात, समझ गए हैं। तो ऑयल क्या है इसमें? ऑयल है डिसकंटिन्यूअस फेज और वाटर है हमारा कंटिन्यूअस फेज। ऑयल इन वाटर, ऑयल के अंदर वाटर है, वाटर इन ऑयल, मतलब अब इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें जो ये ड्रॉपलेट्स होंगी वो किसकी होंगी, वो वाटर की होंगी, और जो ये कंटिन्यूअस फेज होगा वो होगा ऑयल। इतनी सी बेसिक डिफरेंस समझ गए कंटिन्यूअस फेज और डिसकंटिन्यूअस फेज में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जो वाटर एंड ऑयल है, डब्ल्यू बाई ओ है, उसमें कंटिन्यूअस फेज क्या है। चैंपियंस, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन वी आर गोइंग टू हैव। ठीक है, ये समझ गए हैं। अब ना अब डिफरेंस डिटेल में समझने वाले हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, आखिरकार इनको इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इनको पहचाना कैसे जाएगा। चलिए अब डिफरेंस समझ लेते हैं बहुत अच्छे टेबल से। दिस इज द टेबल यू आर हैविंग ऑन योर स्क्रीन। नाउ सबसे पहला बोला गया है दैट इट इज अ नॉन ग्रीसी एंड इजिली रिमूवेबल फ्रॉम द स्किन सर्फेस, मतलब ऑयल इन वॉटर। कहीं ना कहीं ऑयल जब वॉटर के अंदर है तो वो आराम से रिमूव हो जाएगा स्किन से। ये बोला गया नॉन ग्रीसी, नॉन ग्रीसी क्यों? क्योंकि यहां पर वाटर के अंदर है ऑयल, ठीक है, ऑयल के अंदर वाटर नहीं है, ठीक है ना। और वाटर इन ऑयल में सिंपल सी बात मोर ग्रीसी, क्योंकि ऑयल में है,
वाटर इन ऑयल, ठीक है, वाटर यहां पर डिसकंटीन्यूअस फेज की तरह एक्ट कर रहा है और ऑयल हमारा कंटीन्यूअस फेज में है यहां पर, ठीक है, जो बता चुका, एंड नॉट वॉशेबल विद वाटर, ठीक है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्शन आर जनरली यूज फॉर इंटरनल इंटरनली, ठीक है, इंटरनली। इसको क्वेश्चन कैसे आएगा कि हम किस टाइप का इमल्शन आईवी के थ्रू दे सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑयल इन वाटर, हम इमल्शन ऑयल इन वाटर इमल्शन हम मेनली आईवी के थ्रू भी प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। नाउ जनरली फॉर एक्सटर्नल यूज लाइक क्रीम्स, जो वाटर इन ऑयल टाइप है हमारा, जो क्रीम्स में यूज किया जाता है एक्सटर्नली, जो स्किन पे यूज किया जाता है, वो हम वाटर इन ऑयल टाइप का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ थर्ड, थर्ड में बात करें एक्सटर्नली अप्लाइड इमल्शन, एग्जांपल वेनिशिंग क्रीम प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। नाउ इसमें एक्सटर्नली अप्लाइड इमल्शन प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन। यहां पर बोला गया है दोनों का फंक्शन, कि ऑयल इन वाटर का क्या फंक्शन है और वाटर इन ऑयल का क्या फंक्शन है। ये मेनली कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑयल इन वाटर जो हमारा इमल्शन होगा वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, और जो वाटर इन ऑयल है, जो वाटर इन ऑयल है वो मॉइस्चर को रोकेगा, आपकी स्किन पे रिटेन करेगा मॉइस्चर को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर वाटर सॉल्युबल ड्रग आर मोर क्विकली रिलीज फ्रॉम ऑयल इन वाटर इमल्शन। बात स्टेटमेंट से समझ गए हैं, जो हमारा वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो क्विकली रिलीज होगा ऑयल इन वाटर इमल्शन से, ठीक है, ये सिंपल से बेसिक डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट इज ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स आर मोर क्विकली रिलीज्ड फ्रॉम दी वाटर इन ऑयल इमल्शन। इसमें ऑयल सॉल्युबल, उसमें वाटर सॉल्युबल, ठीक है। अब यहां पर जानने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज योर कंडक्टिविटी टेस्ट। यहां पर बोला गया कि जो ऑयल इन वाटर है वो कंडक्टिविटी टेस्ट को पास कर लेता है। क्यों पास कर लेता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। जो ऑयल इन वाटर है, मैंने बोला जो ऑयल है ये डिसकंटिन्यूअस फेज है, हमें पता है, वाटर है जो कंटिन्यूअस फेज है, ठीक है। जब वाटर कंटिन्यूअस फेज है तो वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो ऑब्वियस ही बात है ये हमारा मेनली ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है। यहां पर दो इलेक्ट्रोड डाली तो क्या कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होगा कि कंडक्टिविटी होगा कि नहीं होगा? जब वाटर हमारा कंटिन्यूअस फेज में है, वाटर हमारा कंटिन्यूअस फेज में है, ठीक है, होगा। और वाटर इन ऑयल, क्योंकि ऑयल कंटिन्यूअस फेज में है इसलिए ये नेगेटिव टेस्ट शो करेगा, नहीं होगी कंडक्टिविटी, सिंपल सी बात है। ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी देखने वाले हैं नेक्स्ट डाइजेस्टर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल, एग्जांपल इज वेनिशिंग क्रीम। वेनिशिंग क्रीम मतलब इजिली रिमूव कर हो जाती है, सिंपल सी बात। वेनिशिंग क्रीम कई बार एग्जांपल से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसका एग्जांपल है कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम हमारा किसका एग्जांपल है? वाटर इन ऑयल का। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने बात की मेनली डिफरेंस की और होता क्या है, हम समझ गए हैं इमल्शन होता क्या है और क्या क्या इसके बेसिक डिफरेंस है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।